अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो है सेकंड एडिशन है, दिस इज़ मार्टून्स क्रिएटर मुदस्सिर भट्ट हियर। अस्सलाम, हेलो टू एवरीवन। एंड आज के दिन जो है हम लोग जो हैं विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइव बेसिक्स शेप्स, बेसिक शेप्स ऑफ आर्ट। नॉर्मली इट्स ऑल्सो कॉल्ड द फाइव बेसिक शेप्स ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज दीज आर द फाइव बेसिक शेप्स दैट एग्जिस्ट इन द इंटायर यूनिवर्स। लाइक ऑल द यूनिवर्स यूनिवर्स बॉडीज और थिंग्स दैट वी कैन सी फिजिकली आर मेड अप of these five basic shapes. They can be a complex collection of these five basic shapes, or they can be just simply these five basic shapes. So duniya mein panch shapes hain jo exist karti hain. So let's start with number one. Number one is line or the line. Line is a straight is the distance between point A and point B. Mathematically speaking, oops, thodi si zara line overlap ho gayi. Line is basically distance between point A and point B. सो लाइंस को बनाने का तरीका काफ़ी आसान है। मसलन लाइक यू कैन टेक टू पॉइंट्स एंड देन यू कैन क्रिएट अ लाइन, यू कैन जॉइन दीज टू लाइन दीज पॉइंट्स विद अ लाइन। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज अ लाइन। इट कैन बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, समथिंग लाइक दिस। इट कैन बी a vertical line, it can be a diagonal line, or those kids who are not new to art and they are just starting art, they can always use this nifty little trick jo ke hai ki aap do points banaye, you draw two points, you two dots, and then you join these two dots. So it's like joining dots, and if you have like more than one dot, so you can like join this dot, it's a nice puzzle game you can do. And again, this is something like a zigzaggy design that exists in life. You can have the, you can see this zigzaggy design inside like clothes and on furniture, on some this can also be a part of a tree. Like for example, this can be a part of a tree-like structure, or this can even be something like a leaf. So if you draw more than one lines, you can have a design. And I realize one thing, okay, this is a vertical line and this is a horizontal line, and I think I might have said the opposite. Matlab maine vertical ko horizontal keh diya hoga aur horizontal ko vertical. So this is a vertical line, VAR vertical line, and this is a horizontal line. So number two is square. Square is a shape, is a geometrical shape that consists of four sides of equal length. So this is a square.
एंड इसको भी बनाने का एक बहुत आसान तरीका है. मसलन यू कैन हैव लाइक इक्वल पॉइंट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड इट्स क्वाइट ईजी टू ड्रॉ इक्वल पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन यू कैन जस्ट जॉइन द पॉइंट्स एंड यू कैन हैव अ स्क्वायर. दिस सॉर्ट ऑफ डज नॉट लुक लाइक अ गुड लुकिंग स्क्वायर बिकॉज इट लुक्स मोर लाइक अ रेक्टेंगल बट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल इज स्क्वायर इज बेसिकली द बेसिक फॉर्म एंड अ डेरिवेशन ऑफ दैट. मतलब कि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर में से निकला है तो रेक्टेंगल भी जो है स्क्वायर का ही एक एक्सटेंशन है. तो आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर टू इज आइदर अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल. सो सेकंड शेप जो है उसको रेक्टेंगल कहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड शेप, ट्रायंगल. ट्रायंगल जो है इज अ थ्री पॉइंटेड शेप, इज अ शेप दैट कंसिस्ट ऑफ ज्योमेट्रिक शेप दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री पॉइंट्स. इट कैन बी अ वेरी परफेक्ट ट्रायंगल. अब ट्रायंगल की सबसे बड़ी एग्जांपल जो मुझे अभी तक ख्याल में आती है वो है पिज्जा. एंड आई नो एवरीबडी लव्स पिज्जा, सो लेट्स ड्रॉ पिज्जा. Some anchovies and some mushrooms and some chilies and lots of smoldering cheese, yummy. So, triangle is pizza. और triangle का मतलब जो shape होती है वो थोड़ी सी pizza की जो है upper crust जो है ज़रा round सी होती है. So it is an extension of the triangle shape. क्योंकि जो basic pizza होता है वो तो round होता है, it's round in shape. So it has many slices but they're all in the shape of triangles. So triangular shapes जो हैं pizza की होती हैं. और पिज्ज़ा के अलावा ट्राइंगल शेप जो है, लेट्स से कि इफ़ यू हैव अ नोज, इफ़ यू हैव द ह्यूमन नोज, दैट्स आल्सो इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल. यू हैव दिस लोअर रिज ऑफ योर नोज, दैट्स एन ट्राइंगल. अपर रिज ऑफ योर नोज, दैट्स आल्सो अ ट्राइंगल विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्राइंगल. एंड देन द साइड्स ऑफ द नॉस्ट्रल्स, दैट्स a small semicircle. So let's talk about the fourth shape, it's circle or also called ellipse. Ellipse ko hum oval bhi kehte hain. So अगर आप ऊपर से सर्कल को देख रहे होंगे कोई सर्कुलर शेप को तो वो सर्कल लगती है, और अगर आप नीचे से सर्कुलर शेप को देख रहे होते हैं तो इट लुक्स लाइक एन एलिप्स या ओवल. मसलन कि अगर आप ऊपर से मग्गे का मुंह देख रहे होते हैं तो वो आपको सर्कुलर लगता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे देख रहे होते हैं तो इट लुक्स लाइक एन ओवल. सो सर्कल को डिफरेंट एंगल से जब आप ऑब्जर्व करते हैं सर्कुलर शेप्स को तो दे कैन चेंज देयर शेप. तो इसलिए सर्कल और एलिप्स जो हैं दे आर द फोर्थ बेसिक शेप इन द यूनिवर्स. और सर्कल तो बनाना बड़ा आसान है, मतलब यू जस्ट गो एंड ड्रॉ. और अगेन रेपिटेशन में अगर आप बनाते जाएंगे तो आपका जो सर्कल है वो वक्त के साथ साथ you will be able to draw a better looking circle. Also try to go from right to left and right left to right to see ke in which direction you draw the circle best. You can always see ke which way you draw the circle. So this is a circle. और कुछ लोगों को सर्कल ड्रॉ करने में ये होती है आसानी कि वो जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो एक पॉइंट बना लेते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द वो
अपनी पेंसिल को घुमाते हैं और फिर उसके बाद कुछ देर घुमाने के बाद वो ड्रॉ कर लेते हैं तो वो सर्कल बन जाता है. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस निफ्टी ट्रिक, ड्रॉ पॉइंट एंड देन ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दैट पॉइंट जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल ईजियर वे इंसेंट और इंस्टेंट वे टू ड्रॉ सर्कल. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल शेप, द फिफ्थ एंड फाइनल शेप, बिकॉज वी हैड फाइव बेसिक शेप्स. द फिफ्थ शेप इज आर्क. आर्क जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट प्रेजेंटली नहीं होगी, लेकिन अगले आने वाली क्लासेस, अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में इट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूव द पेपर टू लिटिल बिट टू द साइड सो दैट वी कैन शो यू व्हाट द आर्क इज. एंड आर्क इज बेसिकली अ शेप, अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट कंसिस्ट ऑफ फोर पॉइंट्स. सो दिस इज एन आर्क. So arcs can be of more than 3 points. For example, you can have like 7 or 8 points, and it can intersect each other as well. For example, अगर मैं एक arc बनाता हूँ तो मैं arc जो है उसको intersect भी कर सकता हूँ. So it can intersect itself and create another pattern. So arc is also a very important shape. For example, आपकी जो alphabet का एक letter है वो जो है arc से ही बना हुआ है, which is the letter S. और एक point मैंने यहाँ पर draw करना भूल गया. So S, the letter S is drawn using the arc. You can also not use the points and draw the letter S. Number 2 is also utilizing one arc. This is an arc from here to here, and this is a line. So a line and an arc makes up your simple letters, your simple text objects. Or you can also experiment with these two shapes to actually create your own interesting looking font designs and text designs. मतलब text art जो है वो बड़ा popular है आजकल. लोग जो हैं gift cards और उसके ऊपर जो है बड़ा interesting text art देते हैं. For example, ये जो एक bubble art है, this is very popular. So this bubble art, bubble text art, is using arcs and lines to so Bablu is a nickname of someone. You can, if you have like a cousin whose nickname is Bablu, you can like use this bubble art form, which uses the five basic concepts of space to create interesting text art. And then there's like jagged text art, like for example, this is all using the line line shape. So I think those kids who have a cell phone know what texting is, and texting I think is pretty much like, you can say, deadly. So this is a skull face. It's not drawn, but texting is
skull and bones. Let's make it skull and bones, like texting with like skull and bones, like it's hazardous. Texting and driving is definitely hazardous. So texting and driving, so you get this impression that it's cross skull and bones, like it's something sinister, something dangerous. So texting and driving, again skull. For the eye, so texting and driving, V, another eye.